फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, हमने पास्ट टेंस पढ़ लिया है, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हमारे फ्यूचर पर, फ्यूचर पे हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ लिया, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब नाम से ही क्लियर है उस टेंस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई ऐसा कार्य जो फ्यूचर में भी लगातार चलता रहे। फ्यूचर में भी, अभी हम यहां खड़े होकर अगर कोई सेंटेंस ऐसा बोले तो वो सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर में भी लगातार काम करता रहेगा। ठीक, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता रहूंगा, सिंपल सेंटेंस, मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मतलब कि आज यहां पर रहकर फ्यूचर की कोई बात बोली, मैं पढ़ाता रहूंगा, कि वो भविष्य में भी वो काम क्या होगा, चलता रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा अगर इसकी लिखे अपन तो परिभाषा क्या होगी, वह कार्य जो भविष्य में, भविष्य मतलब फ्यूचर हिंदी के लिए परिभाषा है, क्योंकि हमारे पास 10th क्लास में 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको हमको हिंदी से किसमें चेंज करना है, इंग्लिश में। या तो उसका मूवमेंट चेक करो कि मूवमेंट में बोलना क्या चाह रहा है। वह कार्य जो भविष्य में लगातार, कंटिन्यू, लगातार चलता रहेगा, क्या कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमको हिंदी वाक्य की पहचान करना है, हिंदी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मूवमेंट क्या देने वाला है, मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि वो सेंटेंस कैसा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी का सेंटेंस उठाओ, लास्ट के वर्ड देखो, हिंदी वाक्य जो रहेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत में मतलब लास्ट में, हिंदी का कोई सेंटेंस उसके आखिरी में, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसा सेंटेंस शब्द है, तो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा, फ्यूचर का टेंस है और फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक, अब हमको इसके फॉर्मूले देखना है, फॉर्मूले या इसके स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने हैं हमारे पास, 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं हमको, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक डब्ल्यूएच वर्ड के साथ। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और सेंटेंस के कितने पार्ट है, 3 पार्ट, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, सॉरी 4 पार्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे हेल्पिंग वर्ब को हम मेन पार्ट में नहीं काउंट करते, मेन पार्ट तो सिर्फ सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होते, कर्ता, क्रिया और कर्म, कि जो भी व्यक्ति उस काम को कर रहा है, जो काम कर रहा है और जिस चीज पर काम कर रहा है, वो तीनों चीज वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट वाला। अब सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि ये एक्टिव के सेंटेंसेस है, हम पेसिव अगर बनाएंगे तो हमारे पास पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अभी हम क्या बना रहे हैं, एक्टिव के सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या लगता है हमारे पास, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर में ही नेम, गर्ल्स बॉय, गर्ल बॉय, और प्लूरल में आयु भी दे, गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, मतलब कि कोई काम जिसको जो व्यक्ति कर रहा है वो उसका सब्जेक्ट हुआ, तो सेंटेंस को बनाने के लिए, बताने के लिए हमको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है इसमें, विल बी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि वो भविष्य में भी होता रहेगा, इसलिए विल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है, आईएनजी से उसको कंटिन्यू बना दे लगातार, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है इसका, नेगेटिव सब्जेक्ट एज इट इज प्लस विल नॉट बी, विल नॉट बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाता रहूंगा या मैं पढ़ाता नहीं रहूंगा, अब थोड़ी देर के लिए उसको इंटरगेटिव बनाना है, एक ऐसा शब्द जो क्या है ना, वो सेंटेंस के अगर सामने आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। क्या मैं पढ़ाता रहूंगा, भविष्य की बात, और मैं कैसे पढ़ाता रहूंगा, या उसका डब्ल्यू एच कोई भी वर्ड आएगा वो बीच में आ जाएगा, तो हम उसको डब्ल्यू एच वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जिसको व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हिच, कौन सा, मतलब व्हिच का मतलब कौन सा, Whom, किसे, whose, किसका, इसमें हम उसको चेंज कर लेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लस लगाकर ब्रेक ब्रेक करके हम सेंटेंस को जमा रहे हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में सबकी मीनिंग अलग निकालो और उसको जमाओ, जमा कर सेंटेंस बनाना, इंग्लिश ग्रामर के लिए वही करना है। सेंटेंस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म
प्लस क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस और भी क्या एनजी फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन का कोई भी वर्ड ऐसे हमको कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें क्या कैसे कब कहां कौन हिंदी में बीच में दे। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट फिर बी प्लस वर्ब आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन अगेन क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ क्या लगाएंगे आप, विल बी से सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं और वो सही भी होते हैं। क्या पढ़ा हमने, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और डब्ल्यू एच वर्ड का जो क्वेश्चन वर्ड है उसका स्ट्रक्चर देगा। इसके बाद अपन इसके सेंटेंसेस जो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होंगे लिखेंगे। सेंटेंसेस देखो क्या है, हम अंग्रेजी सीखते रहेंगे, हम की मीनिंग क्या निकलती है, वी हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल बी वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते रहेंगे, आप दूसरों की मदद करते रहोगे, मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य में भी होता रहेगा। ठीक है, तो यू विल बी हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, यू विल बी हेल्पिंग अदर्स। कश्मीर में बर्फ गिरती रहेगी, इट विल बी स्नोइंग आइस इन कश्मीर, सूरज सुबह चमकता रहेगा, द सन हेल्पिंग वर्ब, हम सेंटेंस बना रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, द सन विल बी शाइनिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग वह हमारी समस्या का समाधान करता रहेगा, वह हमारी समस्या का समाधान करता रहेगा। ही वह की मीनिंग ही कोई लड़का है, मेल पर्सन है, ही विल बी समस्या का समाधान मतलब सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स, सी विल बी सॉरी ही विल बी सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। आप यहां आते रहोगे, आपकी मीनिंग निकलेगी यू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, यू विल बी कमिंग हेयर, कमिंग हेयर, वे मेरे बारे में सोचते रहेंगे, वे की मीनिंग निकलती है, वे सब्जेक्ट है, दे विल बी थिंकिंग, सोचने के लिए थिंक थॉट थॉट आईएनजी फॉर्म लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में तो थिंकिंग, दे विल बी थिंकिंग अबाउट मी मेरे बारे में। राजघर सजाता रहेगा, राज विल बी डेकोरेटिंग हाउस होम। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव बनाना है, हम अंग्रेजी सीखते रहेंगे, हम अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे, तो वी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आप दूसरों की मदद करते रहोगे, यू विल नॉट बी हेल्पिंग अदर्स मतलब आप दूसरों की मदद नहीं करते रहोगे। कश्मीर में बर्फ गिरती रहेगी, कश्मीर में बर्फ नहीं गिरती रहेगी, इट विल नॉट बी स्नोइंग इन कश्मीर, सूरज सुबह चमकता रहेगा, सूरज सुबह नहीं चमकता रहेगा, द सन विल नॉट बी शाइनिंग इन द मॉर्निंग, वह हमारी समस्या का समाधान करता रहेगा, ही विल नॉट बी सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम्स, विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, आप यहां आते रहोगे, आप यहां नहीं आते रहोगे, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी कमिंग हियर, वे मेरे बारे में सोचते रहेंगे, दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट मी, राज का सजाता रहेगा, राज विल नॉट बी डेकोरेटिंग।